नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रत्ना और स्वागत है आपका रत्ना की रसोई चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूं बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी, बस दो चीज़ों से बनने वाला ये गजब कमाल पुआ। तो आप इसे इंजॉय करें और बनाकर मुझे बताएं कि कैसी लगी थी ये मालपुआ की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। अगर आपने एक बार इस मालपुआ को बना लिया तो यकीनन आप इसके फैन हो जाएंगे। इतना ज़्यादा टेस्टी है ये, और सामान का भी कोई झंझट नहीं, बस दो चीज़ों से ही बनकर ये तैयार हो जाता है। तो इस होली तो बनता है ना इस यम्मी मालपुआ को बनाना। तो चलिए सबसे पहले हम रेसिपी देख लेते हैं। देखिए कितना जूसी और सॉफ्ट हमारा मालपुआ बना है। तो सबसे पहले हम एक पैन में या फिर कोई कढ़ाई में 3 कप दूध लेंगे। ये कप जो मेरा है वो 250 ml के आसपास का है, यानी 750 ml मैंने अभी तक दूध ले लिया है। अब सबसे पहले इसे हम उबाल लेंगे। दूध थोड़ी ही देर में उबल गया है, अब इसे हम सुखाएंगे यानी गाढ़ा करेंगे। तो साइड साइड का मलाई जो है उसे निकालते हुए हम इस दूध को 3 कप से 1 कप पर लेकर आएंगे। अब ये हमारा दूध जो है 3 कप से 1 कप हो चुका है गाढ़ा होकर, यानी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम चाशनी भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो छोटे कप से मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी लिया है, जो कि 200 ग्राम चीनी है, और इसी कप से मैं 1 कप पानी लूँगी। यानी जितना चीनी हम लेंगे उसका ठीक आधा पानी हमें लेना है। गैस को ऑन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पहले हम पिघलने देते हैं। चीनी को चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। चीनी पूरी तरह से पिघल चुका है और इसमें उबाल भी आने लगा है। तो ये चाशनी हमारी तैयार है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने पानी कम डाला था पहले ही। तो इसमें हम इलायची को कूट कर डाल लेंगे। मैंने छिलका के साथ ही इलायची को कूट कर डाल लिया है, ये दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ धागे केसर के, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर इसे छोड़ भी सकते हैं। तो इसे भी मिक्स कर लूँगी और अब चाशनी हमारी पूरी तरह से तैयार है। इसे हम एक साइड रख देंगे और चलते हैं दूध की तरफ। तो अब तक दूध हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और ये गाढ़ा हो गया है। तो इसमें अब हम एक एक चम्मच कर करके मैदा डालेंगे और धीरे धीरे इसे मिक्स करेंगे। मैदा थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और एक चिकना सा हमारा घोल तैयार हो मालपुआ के लिए। तो फिर से मैदा थोड़ा सा ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दूध भी ऐड करेंगे साइड से। तो मैंने यहाँ पर 1 कप में आधा कप के आसपास दूध ले लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा सा मैदा फिर से ऐड करेंगे, थोड़ा सा दूध ऐड कर लेते हैं और इसे मिक्स करते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसमें 5 से 6 बड़ी चम्मच मैदा को ऐड किया है, ये अभी गाढ़ा है। तो जो दूध आधा कप में से हमारा बचा हुआ है उसे भी डाल लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसी कप से हमें आधा कप दूध इसमें घोलने के लिए ज़रूरत पड़ी है, तो इसे मिक्स कर लेते हैं। और ये मालपुआ के लिए हमारा घोल, चिकना घोल बिल्कुल तैयार है। ये देखिए यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ देसी घी। देसी घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद एक बार इसमें थोड़ा सा बैटर डालकर चेक कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसमें 1 चम्मच मालपुए का घोल डालेंगे और गैस का फ्लेम वही मीडियम टू लो ही रहने देंगे। और फ्राई करते समय मालपुए के साइड साइड से इस तरह से घी या फिर ऑयल को इसके ऊपर गर्म गर्म डालते रहें। इससे ये होता है कि मालपुआ आपका बहुत अच्छी तरीके से फूलेगा और सॉफ्ट बनेगा। बहुत सुंदर ये मालपुआ हमारा फूल गया है, तो दिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसे हम धीरे से पलट लेते हैं। ये देखिए मालपुए को पलटते समय ज़रूर ध्यान रखें कि घी या फिर तेल जो है वो बहुत गर्म है अभी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए किसी चीज़ से पकड़ कर इसे आप आराम से पलटें। दूसरी तरफ भी ये थोड़ी देर पक चुका है, इसे हम एक बार और पलट लेते हैं और गैस का फ्लेम वही
मीडियम टू लो ही रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो। ये मालपुआ हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसे हम घी से निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी सभी मालपुए को फ्राई कर लेंगे। ये मालपुआ जितना ज़्यादा टेस्टी है आसान भी उतना ही है। और ये फ्राई हो चुका है, सभी को फ्राई करके हम इसी तरह से रख लेंगे और इसके बाद हम चाशनी को गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें मालपुआ को डालेंगे ताकि मालपुआ ज़्यादा सॉफ्ट हो सके हमारा। इसमें एक एक करके मालपुआ डालेंगे जितनी एक बार में आ सके और इस तरह से चाशनी को मालपुए के ऊपर डालेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं रखने की ज़रूरत है मालपुआ को चाशनी में। गर्म चाशनी अगर आपकी है तो ये 2 मिनट काफ़ी है इसके लिए। 1.5 से 2 मिनट ये चाशनी में डिप करके हम रखेंगे, उतनी देर में ही ये मालपुआ बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाती है और उसके अंदर चाशनी चली जाती है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो उसे ज़रूर गर्म कर लें और फिर उसमें मालपुआ डालें। तो 2-2 मिनट इसमें काफ़ी है चाशनी में मालपुआ को डिप करना। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और प्लेट में डालती जाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी है मालपुआ। इसी तरीके से हम इसमें मालपुआ को 2-2 मिनट डिप कर कर के और निकाल निकाल कर प्लेट में रखते जाएंगे। ये मालपुआ बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स, मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और जूसी भी। तो ये सिंपल और स्वाद से लबालब मालपुए को इस होली ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, और अपने फैमिली वालों की, अपने फ्रेंड्स की, अपने पड़ोसियों की वाहवाही ज़रूर बटोरें। मिलती हूँ कोई इसी तरह की अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी होली, टेक केयर एंड बाय बाय।